हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के विसर्जन के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, 7 बज रहा है सुबह में। मैं नहा धो ली हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं नदी के किनारे विसर्जन के लिए। रायपुर में यहाँ पे ये फेमस नदी है, खारून नदी। तो हमेशा विसर्जन हम लोग बहते पानी में ही करते हैं, या तो नवरात्रि का हो या तो गणेश जी का विसर्जन हो। कहते हैं बहते पानी में ही विसर्जन करना चाहिए। तालाब तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लोग छोटे छोटे जगहों के लोग मतलब तालाब में ही जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है तो हम लोग चले ही आते हैं नदी के किनारे। तालाब में मन नहीं भरता है क्योंकि तालाब में गंदगी रहती है, वहाँ नहाते हैं लोग, गंदगी साफ़ करते हैं, और वहाँ पे भगवान जी के विसर्जन और होम आदि का विसर्जन करने में मन नहीं भरता है। तो लास्ट टाइम गणपति जी के कान में ये कुछ अपना मतलब मन का जो भी बात होता है ना, तो कहते हैं कान में कहो तो वो पूरा होता है, तो ये वही कर रहे थे। उसके बाद से लास्ट टाइम ये लड़के किनारे किनारे रहते हैं, जो बीच में ले जाके और मूर्ति को प्रवाहित करते हैं। छोटे छोटे इन लोगों को लालच रहता है कि 10-20 रुपया मिलेगा, तो मस्ती भी ये लोग कर रहे थे यहाँ पे। और जाते जाते थोड़ा सा मेरा मन वो हो गया कि 10 दिन हम लोग पूजा अर्चना किए और फिर उसके बाद से इतनी अच्छी मूर्ति भगवान की ले जाके पानी में विसर्जन कर देना है। तो ये रूल पता नहीं कौन बनाया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि हम उनको रखे ही रहें घर में, इतना अच्छा मनमोहक रूप रहता है भगवान का। और बाबू को पानी देख के तो पूछो ही मत, ये पानी देख के पागल हो जाते हैं। इनको पानी में जाना है और पानी में ये बच्चों को देख के और इसको लग रहा था कि छपक छपक के यहाँ पे नहाए हम। तो ये पूछ भी रहे थे कि नहला दे क्या, तो कपड़ा भी नहीं लाए थे और सुबह का टाइम था, अभी सो के उठा था और हम लोग उठा के ले गए, चले ही आए। तो हम लोग बप्पा का विसर्जन कर लिए हैं और बहुत ही मन में तकलीफ हो रहा है, लेकिन जो नियम है वो करना ही पड़ेगा। हम लोग हमेशा नदी में ही विसर्जन करते हैं क्योंकि नदी का पानी जो है बहता हुआ रहता है तो वो बह जाता है, और तालाब में विसर्जन करने से उसमें लोग नहाते हैं, कचरा डालते हैं, गंदा होता है, तो हम लोगों का मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोग नदी में आके, थोड़ी दूरी पड़ती है लेकिन नदी में ही हमेशा हम लोग, या तो नवरात्रि का विसर्जन हो या गणपति जी का विसर्जन हो, कोई भी विसर्जन हम लोग बहते पानी में ही करते हैं, हमेशा बहते। विसर्जन हम कर आए और करके आके नहा धो के, और घर का कुछ हाल ठीक नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी जाने के पहले, क्योंकि सुबह सुबह ही विसर्जन करना था। पूरा दिन ये ऑफिस चले जाते हैं, शाम को रात हो जाती, तो इनको आज ही करना था और सुबह में करना था विसर्जन, इसलिए हम लोग जल्दी में नहा धो के विसर्जन करने चले गए और भूल गए कि घर से कोई दूर जाता है तो झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, वो चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो अपना। तो हमारे तो गणपति बप्पा गए हैं दूर, तो आने के बाद मैं देखी तो घर का हालत बहुत ख़राब था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, तो घर की स्थिति तो पूछो ही मत, और पेट पूजा करना ही है। तो अभी घर की स्थिति मेरी ऐसी कुछ है, ये तो ऐसे ही रहता है बेड मेरा, और यहाँ पे बाबू सोया हुआ है। ये किचन का हाल मेरा है, ये किचन है, किचन। तो अभी लगा है मुझे बहुत तेज़ से भूख, और भूख के लिए मैं रात का ही खाना, क्योंकि ये जल्दी चले गए तो टिफ़िन बना ही नहीं, कैंटीन में खा लेंगे, और रात का है रोटी
तो कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब भूख लगे तो मैं अपने लिए कभी बनाती भी नहीं हूँ। अगर कोई साथ में है रहता है तो उसके लिए बनता है तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन अपने लिए स्पेशल अगर खाना बनाना है तो मैं कभी नहीं बनाती। ये कभी बचपन मेरा शुरू से ही है, मैं घर पे भी थी अपने मम्मी पापा बाबा दादी के साथ जब भी थी तो कोई नहीं रहता था घर में, तो मैं खाना ही नहीं बनाती थी, कुछ इधर उधर का खा लेती थी। तो अभी रात की रोटी बची है तो मैं जा रही हूँ उसको टेस्टी टेस्टी बनाने, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। तो कहते हैं ना कि पापी पेट जब भूखा होता है ना तो फिर बासी क्या और तिरासी क्या, तो वही हाल है यहाँ पे, लगी है जोरों की भूख और 2 बज रहा है दोपहर का, तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था। तो बासी तो वैसे भी मैं एक दो बस मेरा बासी बच जाता है रात में या सुबह में, तो मैं फेंकती नहीं हूँ इसको ऑयल लगा के और सब्जी से या कुछ और से खा लेती हूँ। लेकिन आज सब्जी भी नहीं है मेरे यहाँ और दही भी नहीं है, दही रहता तो दही से खा लेती। तो मैंने इसका कुछ अलग बनाने का सोच रखा है, तो मैंने एक रोटी को दोनों तरफ ऑयल लगा के हल्का हल्का सेक लिया है और दूसरे को नॉन स्टिकी तवे पे मैं सेक रही हूँ, और मेरे पास है मियोनी और पिज्ज़ा सॉस। तो चलिए देखिए कैसे मैं बनाती हूँ इसको, दोनों रोटी को मतलब सेक लेना है, उसके बाद से इसमें मैं मेयोनी लगाऊंगी, अच्छे से चारों तरफ इसको फैला दूंगी। और एक पिज्ज़ा इसके ऊपर, मेयोनी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज्ज़ा सॉस थोड़ा सा स्लो आंच करके, तो पिज्ज़ा सॉस भी चटपटा रहता है। तो ये मैं बिल्कुल नया ही बना रही हूँ, कहीं ना देखा है, भले ही बनता होगा या कोई नहीं बनाता होगा, लेकिन मैंने ये अपने दिमाग से ही ये मैं बना रही हूँ, कहीं नहीं देखा। मेरे को अचानक से भूख लगी थी और दिमाग में आया कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, अच्छा बना तो बेस्ट है, नहीं अच्छा बना तो भी मैं, मेरे को खाना ही है, तो वही ट्राई मैं कर रही थी। और दोनों रोटी को बीच में सॉस लगा के और दोनों रोटी को चिपका दी हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा बहुत थोड़ा दोनों तरफ इसको हल्का हल्का मैं सेक लूँगी, उसके बाद मेरा पिज्ज़ा तैयार है। तो ये पिज्ज़ा ही है एक तरह से, होममेड पिज्ज़ा। आप रोटी से भी पिज्ज़ा बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीद के ही पिज़्ज़ा खाओ, घर में भी टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा बना सकते हो बासी रोटी का। सपोर्ट कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक मेरा वीडियो शेयर करिए, और एक बार ज़रूर ट्राई करिए बासी रोटी का पिज़्ज़ा, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने चख लिया था एक पहले जो बनाया था। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।